synthetic fibers and plastics. So let's start from page number 33. Types of synthetic fibers. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ना, उसके बारे में जाना। अब उसके टाइप्स देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपको यहाँ दिया हुआ है रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ओबटेंड फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक ओबटेंड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed white cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. तो आपने क्लास 7 में पढ़ा सिल्क फाइबर जो है, सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, जिसकी खोज चाइना ने की थी। सबसे पहले सिल्क हमें कहाँ मिला था, हमें नहीं, सबसे पहले सिल्क की खोज चाइना में हुई थी और चाइना वालों ने ये सीक्रेट बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो फैब्रिक जो सिल्क फाइबर है ना, सिल्क फाइबर से बनने वाले जो फैब्रिक हैं, जो कपड़े हैं, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। आपने देखे ही भी होंगे सिल्क के कपड़े कॉस्टली ही मिलते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर दिखता है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो क्या किया गया, सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के एंड तक में साइंटिस्ट जो थे वो सक्सेसफुल हो गए आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, ओके। तो ये सिल्क जो था आर्टिफिशियल सिल्क किन चीजों से बन रहा था, वुड पल्प से, ठीक है। लकड़ी का जो पल्प होता है उसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर और आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया गया। इस फाइबर को रेयॉन कहा गया, ठीक है, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये सिल्क की तरह ही था, ठीक है, उसी की तरह, मतलब जो शाइनिंग होती थी उसकी, है ना, वो सारी चीजें। और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए नेचुरल सोर्स का ही यूज किया गया। वुड पल्प क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सिल्क से कम रेट में मार्केट में उपलब्ध करा दिया गया। आर्टिफिशियल सिल्क जो है या रेयॉन जो है वो कम कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, हो रहा है, ठीक है। और इसको कई कलर्स से, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, कई प्रकार के कलर्स से इसको डाई भी किया जा सकता है रेयॉन को, है ना, रेयॉन जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। सो रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन। रेयॉन का यूज बेडशीट बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। रेयॉन और कॉटन को मिलाकर बेडशीट तैयार की जाने लगी, रेयॉन और कॉटन को मिलाकर, वूल को मिलाकर कारपेट्स बनाए जाने लगे, ओके। तो ये थी रेयॉन की कहानी, मींस आर्टिफिशियल सिल्क कैसे आया, ओके। नेक्स्ट है नायलोन, सिंथेटिक फाइबर है ये भी, जैसे रेयॉन सिंथेटिक मींस मैन मेड, है ना, इंसानों के द्वारा बनाया गया, ऐसे ही नायलोन। नायलोन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw materials from plant or animals. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon जो था, man-made fiber ही था, है ना? और 1931 में इसे तैयार किया गया बिना natural raw material का use किए बिना, है ना? रेयॉन में आपने देखा वुड पल्प का यूज हुआ, तो वहां नेचुरल रिसोर्स
नेचुरल रिसोर्स जो था है ना, या नेचुरल मटेरियल रॉ मटेरियल उसका यूज किया गया, वुड पल्प का यूज किया गया, लेकिन नायलॉन में उसका यूज मतलब प्लांट या एनिमल्स से कुछ भी चीजें नहीं ली गई। इसको किस चीज से तैयार किया गया? कोल, वाटर और एयर, है ना। खैर वाटर भी हमारा नेचुरल रिसोर्स ही है, कोल एयर भी नेचुरल रिसोर्स है, बट ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी है फाइबर हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, ओके। तो इसमें कोल, वाटर और एयर का यूज करके नायलॉन तैयार किया गया, और ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक मतलब तन्ने वाला होता है, और वेट जो होता है इसका बहुत लाइट होता है, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, इसको आसानी से धुला जा सकता है, इसीलिए ये क्लॉथ्स बनाने के लिए बहुत पॉपुलर बन गया है ना, फेमस हो गया। तो हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स यूज करते हैं जो कि नायलॉन से बने होते हैं, जैसे सॉक्स, रोप्स मीन्स रस्सी, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार शीट बैग्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सब नायलॉन से बने होते हैं, ठीक है, जो कि वेट में भी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, धुलने में भी आसानी होती है, ओके। नायलॉन का यूज पैरासूट, नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स, पैरासूट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, और रॉक क्लिम्बिंग, जब माउंटेन क्लिम्बिंग होती है या रॉक क्लिम्बिंग करते हैं, तो जो रोप, जिस रोप का यूज किया जाता है वो रोप या रस्सी, वो भी नायलॉन की ही होती है, ठीक है। तो एक जो नायलॉन थ्रेड है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। सो रेस्ट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके।